हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैंने अभी साड़ी पहन के रखी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक हॉल वीडियो शूट की है, तो जिसके लिए मैंने साड़ी वेयर की थी, तो मैंने अभी इसको चेंज नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्ट भी कर देते हैं, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना वो भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो चलिए चाय बनाते हैं, क्योंकि ब्लॉग शूट करते करते मीशो हॉल तो बहुत सारा टाइम हो गया है। तो आप चलते हैं पहले चाय बनाने के लिए। तो हॉल शूट करने के बाद हॉल क्या होता है घर का, पहले तो मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मतलब वीडियो बनाना या अपलोड करना आसान नहीं है, तो चलिए दिखाते हैं। और फिर इसकी साफ़ सफाई भी करना है, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि क्या हाल है। और इसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा, पहले तो शूट करने की तैयारी करो और फिर बाद में समेटने की। तो आप लगा लो कि आपको जितना टाइम लगता है शूट करने से ज़्यादा टाइम लग जाता है समेटने में, रखने में। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया पूरा सामान जितना भी है, कपड़े हो गए और सब कुछ। कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड भी कर दिए हैं लगे हाथ एक दो आइटम, क्योंकि जो कुर्ते उर्ते आप लोग फोल्ड दिख रहे होंगे ना, तो उनको तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। बाकी तो सब ऐसे ही पड़ा है, चूड़ी हो गई सब चीज़। तो चलिए इनको फटाफट फोल्ड करती हूँ। और शाम का टाइम हो रहा है फिर, क्योंकि चाय पानी के बाद खाना बनाने का भी टाइम हो जाता है। और चलिए जल्दी से इनको समेटती हूँ। तो चाय बन चुकी है और चलिए इसको लेके चलते हैं। और अभी ना अंधेरा अंधेरा भी हो गया है, क्योंकि कपड़े चेंज करी और थोड़े से कपड़े रखे थे ना, तो उनको भी मैंने सोचा कि फोल्ड ही कर लेती हूँ और चाय चढ़ा के। तब तक मेरी चाय भी बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना बन चुका है और आज खाने में ना थोड़ा सा रोटी सब्जी नहीं बनाए हैं, इनकी ड्यूटी है तो कुछ ना कुछ मतलब सिंपल सा बना लिए हैं। बच्चे बोल रहे थे मैगी के लिए, तो मैं उनको बच्चों के लिए मैगी बना दी है। और सुबह बनाए थे मैंने दही बड़े, तो बड़े भी रखे हुए हैं तो दही भी मैंने फुला लिए हैं। बाकी तो ये सब मतलब थोड़ा बहुत खाना रखा था, तो बाहर में थोड़ा सा चावल बच गया था और दो तीन रोटियां रखी थी, तो मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि इनकी ड्यूटी है। अगर नहीं होती तो फिर पूरा खाना बनता, और बच्चों के लिए मैगी बनाती हूँ दूध हो जाएगा। तो थोड़ा सा आज खाना में कुछ कुछ करके ऐसे ही खाना हो गया है आज का। तो चलिए खाना पीना जैसे मैंने बताया कि मैंने हो गया है, और अब चलते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, तो उनको साफ़ करना है और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको भी सोच रही हूँ फोल्ड ही कर देती हूँ, क्योंकि टाइम भी है और क्योंकि ज़्यादा खाना बनाने का नहीं होता ना, तो काम भी थोड़ा सा कम रहता है। जैसे खाना कम बना तो बर्तन भी कम ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से दूध के हो गए और एक तवा हो गया, थोड़े बहुत ही हैं। तो चलिए उनको साफ करते हैं जल्दी से। और फिर इसके बाद आ गए हैं चटनी बनाने के लिए, क्योंकि इडली का जो बैटर है मैंने कल उसको सुबह फुला दिया था और फिर शाम को पीस के रख दिया सभी चीज़ों को। तो यहाँ पास मैं इडली के लिए चटनी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पास थोड़ी सी चने की दाल है एक चम्मच, ज़्यादा नहीं है, जैसे आपका टेबल स्पून होता है बड़ा वाला चम्मच, तो एक चम्मच है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना, गैस को तेज़ नहीं करना है नहीं तो जल जाएगी और अच्छे से रोस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पास मैं उस निकाल ली हूँ। और मूंगफली है उसी चम्मच से, जिस चम्मच मैंने दाल ली थी और उसी चम्मच से मैंने दो चम्मच मूँगफली ली है। तो मूँगफली को पहले अच्छे से ना उसको भी रोस्ट कर लेना है, गैस को ही स्लो ही रखना है। और इसके जो छिलके होते हैं मूँगफली के, तो इसके छिलके पूरे तरह से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं छिलके मैं निकाल ली हूँ। और लहसुन हो गई, अदरक थोड़ी सी कट करके, एक मिर्च आधी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और नारियल, नारियल को पहले ही तोड़ के छोटे छोटे पीसों में मैंने रख लिया था। साथ में दो चम्मच दही, इसी चम्मच में सभी ने सभी कुछ लिया है, तो दो चम्मच दही हो गई, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक हो गया। अब इसको पीस लेते हैं अच्छे से। तो थोड़ा पानी डाल डाल के, मतलब पीसना, इकट्ठे पानी पूरा नहीं डाल देना है, और इसको बढ़िया बारीक पीस लेना है। अब चटनी में चलते हैं तड़का लगाने के लिए। थोड़ा सा मस्टर्ड और मैंने ऑयल लिया था, उसमें से मस्टर्ड सीड डाली, और जीरा हो गया, ये मिर्च तेज सॉरी कढ़ी पत्ता, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मतलब थोड़ा सा पक जाएँ। और यहाँ पर चटनी में तड़का लगा देती हूँ,
और चटनी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि जो दाल हो गई, मूँगफली और नारियल तीनों की मिक्स चटनी बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मैंने पहली बार तीनों चीज़ों की चटनी मिक्स करके बनाया था। नहीं तो सिंगल से दाल की हो गई, मूँगफली की, मतलब अलग अलग बनाती थी, पर इस बार मैं तीनों की चटनी एक साथ बनाई तो बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पास जैसे मैंने बैटर पहले एक रात पहले ही मैंने भिगो के और इसको पीस के रख दिया था, तो बहुत अच्छा से फूल गया जैसे आप लोग देख सकते हैं। और उसमें एक पैकेट इनो मिला दी हूँ और सभी में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि एकदम बहुत अच्छा से फूल गया था। इतना मतलब आप जितना बारीक चावल को पीसोगे एकदम सॉफ्ट, उतनी ही अच्छी इडली बनती है। तो इसमें सब में पहले थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और मैंने कुकर को पहले ही रख दिया गर्म करने के लिए, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं सांभर अभी नहीं बनाने वाली हूँ। सांभर बनाने के लिए सब्जियाँ मेरे पास अभी नहीं हैं, तो जब सब्जियाँ आ जाएंगी दोपहर में तो फिर मैं सांभर भी बना दूँगी। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएंगी, चटनी हो जाएगी और इडली हो जाएगी। तो चलिए इनको पकने देते हैं थोड़ी देर। तो 15 मिनट के करीब, 15 मिनट का टाइम हो चुका था इस टाइम तक, तो मैं देख रही थी चाकू लगा के, उसमें जो इडली का बैटर है ना उसे, वो नहीं लग रहा था, मतलब पक गई हैं। और इनको एकदम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं आपकी बहुत अच्छी इडली बनी थी, एकदम सॉफ्ट जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी, और बहुत मुलायम थी। तो इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, अभी थोड़ा सा गर्म है, ठंडी हो जाएंगी तब निकालेंगे। इसके बाद हम लोग कहीं जा रहे थे कैंटीन के लिए, क्योंकि जो भी साबुन निरमा जो भी सामान है घर का वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पास गए हुए थे कैंटीन, तो मैंने इस बार आप लोगों को भी कैंटीन का जो भी है ना, तो इस बार मैंने दिखाया है। तो यहाँ पास मैं शैम्पू निकाल रही थी, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ वही शैम्पू, ज़्यादा यहाँ तो सब प्रकार से है। तो मैं सनसिल्क के निकाल रही थी, पर फिर मैं सनसिल्क ली नहीं हूँ, दूसरा ली हूँ, तो मैं बाद में दिखाऊँगी आप लोगों को। और इसके बाद हो गया फॉइल पेपर, टिशू, और मतलब ये सब जो चीज़ें घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वही मैंने लिया। दो छोटे छोटे बोरोप्लस हो गए, क्योंकि ये चीज़ें हो गई तो डेली लगती हैं। फॉइल पेपर हो गया, बच्चों को स्कूल जाते हैं तो उनका खाना रैप करके देना पड़ता है। और जो भी मतलब आप ले, ज़्यादा फालतू का सामान मैंने नहीं लिया, जो हमारे घर में यूज वाली चीज़ें हैं वही मैंने लिया है। यहाँ पास एक दो टूथब्रश हो गए तो ले लिया, कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आ गया कहीं से तो फिर नहीं रहते हैं, तो कम से कम एक दो एक्स्ट्रा घर में रहने चाहिए। और यहाँ पास चाय पत्ती हो गई, तो एक पैकेट मैंने चाय पत्ती ली हूँ, क्योंकि और रखी है मेरे पास एक, मतलब जो भी यूज़ कर रही हूँ उसका आधा पैकेट रखा है, तो फालतू में लेके कोई मतलब है नहीं। और बच्चों यहाँ पास कुछ अपने अपने खाने पीने के लिए चीज़ें भी ले रहे थे। और यहाँ पास मैं तेल देख रही थी रिफाइंड का, तो मुझे सही नहीं लगा, ज़्यादा महंगा लगा, तो मैंने छोड़ दिया है। और अभी है भी मेरे पास आधा, मैं 5 kg का डिब्बा लेके आई थी, उसमें से आधा रखा हुआ है। तो छोटे छोटे आइटम हो गए, जैसे विक्स हो गए, ये चीज़ें घर में लगती है। तो अभी हम लोग सामान ले लिए हैं कैंटीन से, जो भी लेना था तो इधर रखे हुए हैं। तो अभी घर चल के ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना सामान लिया है मैंने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना कैंटीन का सामान नहीं लिया, जैसे साबुन वबुन हो गया, पहले की ली हुई जो चल रही थी। तो अभी आए तो इकट्ठा, जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम लिख के वहाँ घर से नहीं लाते कि ये लेना है, पर यहाँ वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनको भी मैंने लिया है। तो चलिए घर में चल के दिखाऊँगी कि क्या क्या सामान लिया है। और वहाँ से आने के बाद कैंटीन से हम लोग गए हैं बच्चों के लिए ड्रेस लेने के लिए, उनका हाउस ड्रेस जो भी है, तो उनका हाउस ड्रेस नहीं था, बाकी के जो ड्रेस है वो ले के आ गए थे। तो एम क्या के मार्केट में समय मिले ही नहीं थे, बोले कि आए ही नहीं हैं, तो अभी आ गए थे दोनों बच्चों के लिए जो उनके जो हाउस ड्रेस हैं तो वो लेके आए। तो इसका ग्रीन हो गया, परी का ब्लू हो गया, टी शर्ट दोनों के लिए। और यहाँ पास चेक कर रहे थे पहले कि घर में लेके आओ, फिर छोटे बड़े हो जाएँ तो कम से कम वहीं चेक कर लेते हैं पहना के कि सही है कि नहीं है। और फिर वहाँ से आते टाइम रास्ते में सब्जी मंडी, तो यहाँ पास कुछ सब्जी लेना था और फ्रूट्स हो गए, जैसे मैंने बताया था कि सांभर बनाना है मुझे। तो अभी हम लोग कैंटीन की सब्जियाँ ले चुके हैं। कैंटीन जाने के बाद चले गए थे मार्केट, बच्चों को कुछ उनका हाउस ड्रेस नहीं था तो वो लेने के लिए। और बहुत टाइम हो गया है आते आते, अब बनने के लिए रखे हैं दाल, इसे इडली में पहले ही बना के गई थी तो आधे तो इसी में रखी हैं, पूरी निकली भी नहीं है। तो जल्दी से सांभर बना लेते हैं और फिर सबके लिए खाना सर्व करते हैं।
तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, किसी के यहाँ जन्मदिन है तो उन्होंने बुलाया है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। रेडियो के बच्चे हैं, सभी लोग हैं, तो चलिए अगर ऐसा हुआ कि कुछ शूट कर सकते हैं तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, तो बैठे हैं। दूसरे वाले रूम में बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, यहाँ बस मतलब बैठने के लिए लेडीजों के रूम। तो ये आर्मी क्वार्टर है, यहाँ आर्मी क्वार्टर जो होते हैं ना, आर्मी क्वार्टर से। तो ऐसे आर्मी क्वार्टरों में बहुत टाइम रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आर्मी क्वार्टर में जाऊँ ना तो अपना सा लगता है, कि लगता है कि बस अपने घर आ गए हैं। ऐसे गुड मॉर्निंग टू अपनी आज बच्चों की स्कूल है, तो यहाँ पास बना ली उनके लिए टिफिन ले जाने के लिए। तो पूरी मैंने बना दी है, उसकी कढ़ाई में पहले कर दी है, और अब भिंडी की सब्जी है तो इसमें मैंने तड़का लगा दिया है और एक पक गया। तो अभी तो टाइम हो चुका 6:45, मुझे 5:15 में मैं जगी, आटा लगाई, सब्जी काटी भिंडी की, और तो इधर से पूरी बन चुके मैंने बताया, सब्जी में तड़का लगा है, बस सब्जी पक जाए। और बच्चे जग गए हैं, तो बच्चों ने पढ़ी जा रही है स्कूल, तो जग गए हैं और रेडी होना है, क्योंकि 7 के पहले पहले गाड़ी भी आ जाएगी। तो उससे पहले थोड़ी देर पहले ना बस स्टॉप में जाना भी पड़ता है, जहाँ पास बस खड़ी होती है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं फॉर्म जो भी है।